हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुरेश अभागा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। दोस्तों, हम अपने पिछले गाने में बात करेंगे भारतीय सादी मतलब इंडियन वेडिंग्स, और इंडियन वेडिंग्स में क्या क्या कैसे होते हैं और कैसे कैसे नमूने पाए जाते हैं हम अपने इस वीडियो में आज देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा, तो हम इंट्रो देख के आगे चलते हैं। दोस्तों, आज तक तो आपने बहुत सारे दूल्हों को डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन आज तक आपने ऐसे दूल्हे को डांस करते हुए नहीं देखा होगा, और खास करके सबने आज तक सबको नाग नागिन का डांस करते हुए देखा, भोजपुरी गानों का डांस करते हुए देखा, हिंदी गानों का डांस करते हुए देखा, लेकिन डांस तो उसने भोजपुरी पे ही किया, लेकिन भाई नेक्स्ट लेवल डांस, मतलब आप इस डांस को क्या नाम दोगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं तो इसको मोर बार डांस करूँगा। हग दिया हग दिया, अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हग दिया। भगवान। दोस्तों, अगला वीडियो हमारे उस भाई का है कि जिसको शादी में तो जाना है लेकिन कोरोना का भी डर है, लेकिन सोचो अब वो कैसे शादी में गया होगा। तो आइए हम अभी इस वीडियो में देखते हैं कि वो किस तरह शादी में गया और किस तरह उसने डांस किया। दोस्तों, अगला वीडियो हमारे उस भाई का है जिसको अपना दुश्मन दिख गया अपनी शादी में, और दोस्तों बाद में उसको पता चला कि ये जो मेरा दुश्मन है वो मेरे दुल्हन का बॉयफ्रेंड था, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड था, अब तो नहीं, अब तो भाई मजे करेगा। तो आइए देखते हैं दोस्त ने कैसे अपने दुश्मन से बदला लिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। I'll have to ask my accountant about that. भाइयों और मेरे दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि दूल्हा दुल्हन ने भाग के शादी की, या लड़की लड़के भाग गए और भाग के शादी की, लेकिन आपने आज तक ऐसे भाग के शादी करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। तो आइए हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसे भाग के हुई शादी। दोस्तों, दूल्हे का तो समझ नहीं आया, दूल्हे का तो भागना लाजमी है, लेकिन दुल्हन कैसे भाग रही है इसे ओलंपिक में रहना रखो, क्या बात है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। दोस्तों,
अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने उस डेयरिंग बाज दूल्हे की जिसको कोई डर ही नहीं है, ना तो लड़की से और ना तो लड़की के घर वालों से, मतलब भाई फुल एटीट्यूड। आप देखो तो इस वीडियो में। ओ ओ ए तेरा बाप आया सफेद कपड़ा। ओ ओ तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, आगे चल के गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन उस समय मुझे पैशन फॉलो करना था क्योंकि मैंने मोटिवेशनल चाचा लोगों की वीडियो देख रखी थी। काश आज ही मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती तो ये भाई की जैसी मेरी आज किस्मत होती। अब देखो इस भाई को। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में करना जो सादी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करना। और कोई तरीका है भीख मांगने का? भारतीय साड़ियों शादी के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको इससे भी जोरदार दिखाऊंगा।